फैक्टोरियल एन से छोटा फंक्शन हो जाएगा ई पावर एन, फैक्टोरियल एन से छोटा फंक्शन हो जाएगा ई पावर एन, क्योंकि ई की वैल्यू आप जानते हैं, ई की वैल्यू क्या होती है 2.718 समथिंग होती है, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू होती है 2.718। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि फैक्टोरियल एन आपका एसिम्प्टोटिकली लार्जर होता है 2 पावर n से, ठीक है ना। इनफैक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल एन एसिम्प्टोटिकली लार्जर होगा k पावर n से, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, इनफैक्ट आप यहाँ पर 1000 भी ले सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल n एसिम्प्टोटिकली लार्जर होगा 1000 पावर n से फॉर सफिशियंटली लार्ज इनपुट, वेयर k इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं फॉर सफिशियंटली लार्ज इनपुट। तो यहाँ पर आपका फैक्टोरियल n से लेसर फंक्शन हो जाएगा e पावर n, क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.718, ठीक है ना। देखिए, एक तो e पावर n है, दूसरा आपके पास यहां पर 2 पावर n है। तो 2 आपका लेसर है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस मैटर करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस मैटर करता है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि e पावर n बड़ा होगा एज कंपेयर टू 2 पावर n, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका फंक्शन आ जाएगा e पावर n, क्योंकि e की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.718, ठीक है ना। और इनफैक्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल n आपका बड़ा होगा k पावर n से भी, k क्या है आपका कोई भी कांस्टेंट है, तो देन आपका फंक्शन आ जाएगा e पावर n। अब नेक्स्ट फंक्शन यहां पर क्या आएगा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि n इंटू 2 पावर n और 2 पावर n, ये दोनों फंक्शन एक कॉन्स्टेंट से डिफर नहीं कर रहे हैं, एक वेरिएबल से डिफर कर रहे हैं, तो ये बड़ा होगा और ये आपका छोटा होगा, तो एसिम्प्टोटिकली स्ट्रिक्टली एसिम्प्टोटिकली लार्जर होगा n इंटू 2 पावर n। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा n इंटू 2 पावर n, तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा n इंटू 2 पावर n। देन इसके बाद आपका कौन सा फंक्शन आएगा, इसके बाद आपका फंक्शन आएगा 2 पावर n, तो इसके बाद आपका फंक्शन आ जाएगा 2 पावर n, ठीक है ना, क्योंकि ये एसिम्प्टोटिकली लेसर है, तो देन आपका फंक्शन आ जाएगा 2 पावर n। अब देखिए, इसके बाद आपका कौन सा फंक्शन आएगा, इसके बाद आपका आएगा 3/2 पावर n, क्योंकि 3/2 आपका होता है अराउंड 1.5, क्योंकि 3/2 की वैल्यू होती है आपका 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पावर n, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से भी हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि देखिए e पावर n में आप क्या कर सकते हैं, e पावर n में आप 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन इसको n कर दीजिए, तो हमें यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 2 पावर n इंटू e बाई 2 पावर n, और e की वैल्यू क्या थी, e की वैल्यू थी 2.718 समथिंग, तो जब इसको e बाई 2 आप करेंगे, e बाई 2 करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो e बाई 2 पावर n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n, ओमेगा ऑफ n मैं इसको बोल सकता हूँ भाई, e बाई 2 पावर n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n, क्योंकि ये 1.2 समथिंग आएगा, यानी बेस 1 से ग्रेटर है, तो बेस 1 से ग्रेटर होगा तो ये ओमेगा ऑफ n होगा, ठीक है ना, ये थीटा नहीं होगा, ये ओमेगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा और ये आपका पॉलीनोमियल फंक्शन हो जाएगा, और बेस आपका 1 से यहाँ पर ग्रेटर है, तो 1.3 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1.3 पावर n is always greater than some constant c time n, ठीक है ना, क्योंकि ये exponential हो गया, वो आपका polynomial हो गया, और यहाँ पर base भी 1 से greater है, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि e by 2 power n की जगह पर अगर मैं n put कर दूंगा तो ये lesser हो जाएगा, तो ये less हो गया 2 power n dot n से, क्योंकि e by 2 power n आपका बड़ा है और ये जो है सी एन जो है आपका छोटा है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ओमेगा ऑफ एन, तो अगर मैं यहाँ पर एन पुट कर दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ई पावर एन से स्मॉलर फंक्शन है मेरा एन इंटू 2 पावर n, ई पावर एन से स्मॉलर फंक्शन है एन इंटू 2 पावर n, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँ और फिर 2 पावर n को कॉमन ले लेता हूँ, तो ई बाई 2 पावर n क्या हो जाएगा, ई बाई 2 पावर n हो जाएगा ओमेगा ऑफ एन, और अगर मैं यहाँ पर इसको n को पुट कर देता हूँ तो ये स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी, तो ये इससे स्मॉलर फंक्शन हो जाएगा, तो एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर हो जाएगा n इंटू 2 पावर n, जिससे एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर फंक्शन हो जाएगा आपका 2 पावर n। यहाँ पर देखिए, इसको यूज करूंगा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ओमेगा ऑफ 2 पावर n डॉट n, ठीक है ना, एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर है तो मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लिया है n इंटू 2 पावर n को। इसके बाद आपका ये वाला फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3/2 पावर n क्या होता है, ये होता है आपका 1.5 पावर n, तो ये 2 पावर n से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 1.5 पावर n, तो इसके बाद आपका फंक्शन आ जाएगा 3/2 पावर n, तो ये फंक्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा 3/2 पावर n।